गाइस वी आर इन अंबानी वेडिंग। हां लिटरली वी आर फीलिंग लाइक ए अंबानी वेडिंग में। कैसा है ये है क्या? ये तो पता हमें भी नहीं क्या है। सो आई थिंक कैपेचिनो एंड येस्टरडे हॉट चॉकलेट। स्टोरी नहीं कर पाएंगे कितने ज्यादा ऑप्शंस है ना। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये मैं काफी दिन बाद बोल रही हूं बिकॉज़ इवन आई डोंट नो कि मैं आज कितने दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। मैं भूल चुकी हूँ व्लॉगिंग करना नहीं कि मैंने कितने दिन पहले व्लॉग बनाया था ये। एंड मैं जा रही हूँ आज एक वेडिंग में। सो वो वेडिंग है काफ़ी अच्छी। सो मैंने सोचा लेट्स रिकॉर्ड। काफ़ी दिन हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं है। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ कंटेंट बट स्टिल आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़। आई थिंक आई नीड अ रेस्ट और अ ब्रेक जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है। एंड आई डोंट नो एग्जैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो कि आज ये ब्लॉग आ रहा है नेक्स्ट कब आएगा। आई डोंट नो। सो आई एम गेटिंग रेडी। दिस इज द सूट विच आई एम वेयरिंग। सो अभी जल्दी से मैं रेडी हो रही हूँ बिकॉज वी आर गेटिंग लेट क्योंकि शादी एक मिनट बातों में ये नहीं निकाला क्योंकि शादी है गुड़गांव में। नॉट इन आई थिंक एग्जैक्टली गुड़गांव में नहीं है, शायद गुड़गांव के पास है या फिर आई डोंट नो बट हाँ दूर है, हमें एक घंटा लगेगा पहुँचने में। सो बस मैं जल्दी से रेडी हो रही हूँ। सो ओ माय गॉड कितने दिन बाद कितनी बार मैं सो बोल रही हूँ या। एंड गाइज ये मेरा वन ऑफ मतलब फेवरेट सूट है। आई जस्ट लव दिस सूट, मुझे बहुत पसंद है। मुझे वेलवेट की सूट वैसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है बट ये वाला सूट मेरा फेवरेट है। वैसे मेरे सारे ही सूट अच्छे हैं। क्या बोल रहे हो खुद ही गाइज, मैं सच बोल रही हूँ। आई एम हैविंग बेस्ट कलेक्शन सूट्स का। सो आप लोगों ने मुझे मिस किया होगा। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सृष्टि तुम कहाँ गायब हो। सो गाइज कहीं गायब नहीं हूँ और ऐसा भी नहीं है कि YouTube बिल्कुल छोड़ ही दिया है। बस पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी वीडियोस नहीं आ रही हैं, बस इतना पता है मुझे। सो या नाउ आई एम डन। इतना ही मेकअप आता है, इससे ज़्यादा मुझे आता भी नहीं है। एंड आई डोंट नो ये बेकार सा लग क्यों रहा है अभी, बट ये नेचुरल में बुरा नहीं लग रहा है या फिर पता नहीं कैसा लग रहा है। सो गाइज वैसे मैं ऑलमोस्ट रेडी हो गई हूँ। मैं बाल स्ट्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि वेलवेट थोड़ा सा मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक माई ओन ऐसी कर्ली हेयर्स अच्छे लग रहे हैं इस पर, बाकी थोड़ा कॉम कर लूँगी। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग दिस वाइट काजल। लेट्स सी कि वो मेरे आँखों पर कैसी लगती है। ऑलमोस्ट मेरा आई मेकअप डन है, इतना ही आता है मुझे। एक मिनट, मैं इसमें देख के नहीं लगा पाऊँगी, पहले मैं लगा लेती हूँ। एंड लेट्स सी कैसा लग रहा है। अब अच्छा लगेगा या बुरा मुझे नहीं पता, और अगर मैं लगा लिया सो बस मैं लगा के अब चल दूंगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सो गाइज वाइट काजल इज डन। आई थिंक बुरी तो नहीं लग रही है, अब जैसी भी लग रही है ठीक ही है। सो गाइज ये दुपट्टा है जिसकी वजह से मैंने सूट लिया था। आई एम इन लव विद दिस दुपट्टा ऑफ कोर्स, क्योंकि यार कितना सही है ये। ऐसे भी ले सकते हैं इस दुपट्टे को। वेट मैं लेट हो रही हूँ, पापा के दो कॉल आ गए हैं, बट आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, आज तो व्लॉग बन के रहेगा। लाइक कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ, अब फिगर आउट कर लेंगे क्योंकि अभी गाड़ी में जाऊँगी। सो एंड गाइस आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली आई ईट देयर। सो गाइस हम निकल गए हैं एंड अभी मैंने अपने हेयर्स एक्साइड कर लिए हैं और दुपट्टे को इस तरीके से कैरी किया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा दुपट्टा है तो एक सिंगल हाथ पर डालने में ना फिर अच्छे से मैं अपने आप को कैरी नहीं कर पाती। सो इसलिए मैंने ऐसे कैरी किया है। सो गाइज गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग जा रहे हैं वेन्यू की तरफ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। देख रे कितनी प्यारा गाना है। सो गाइज हम लोग पहुंच गए थे 9 बजे करीब और हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता स्टार्ट कर दिया था क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गए थे हम लोगों को पहुंचते हुए। डेकोरेशन इतनी सुंदर थी, इतना कुछ था वहां पे देखने को कि 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि मुझे ये सब रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर इन्जॉय करना चाहिए। डिशेज बहुत सारी थी, बहुत जगह जगह की फेमस डिशेज थी। मैं
मैंने बहुत टाइम के बाद इतने टेस्टी दही बल्ले खाए थे. लाइक अभी मैं रिसेंटली बहुत सारी शादियों में गई हूँ, बट ये वाले दही बल्ले बेस्ट थे, बहुत ही टेस्टी. सो गाइज, यहाँ पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, सो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर इतनी तेज़ नहीं बोल सकती थी म्यूज़िक की वजह से. यार यहाँ पे एक बिल्कुल डिफरेंट साइड थी, जहाँ पे सैलड थी और फ्रूट्स थे. आई डोंट नो, इतने टाइप के फ्रूट्स थे बहुत ही ज़्यादा, और वो इतनी अच्छी तरह से डेकोर कर रखे थे कि वाओ अमेजिंग.
पधारो कुंवर सा। लेकर आने वाला है बेहद प्यारी परफॉर्मेंस। सो एवरीवन, जो लोग अभी नहीं लाया ध्यान वो भी इस तरफ ले आइए, क्योंकि अभी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। सो यस, लेट्स प्रोसीड दिस वंडरफुल इवनिंग विद द नेक्स्ट ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस बाय बॉनफायर। निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 11:30 बज गए हैं। एक्सपीरियंस बेस्ट एक्सपीरियंस था ये मेरा। अभी हम पार्किंग में हैं, यहाँ पर लाइट नहीं है और मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ जो लोगों ने गिफ्ट दिया है हमें। अमेजिंग बेस्ट वेडिंग अभी तक जो मैंने अटेंड करी है। इससे पहले भी काफ़ी अच्छी वेडिंग्स अटेंड करी हैं, बट ये बहुत अच्छी थी। लाइक डेकोरेशन, फूड, एवरीथिंग। सो गाइज, मैं घर आ गई हूँ एंड मैंने इयररिंग्स निकाल दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कान में मेरे पेन हो रहा था। एंड दिस इज़ द गिफ्ट जो कि हमें मिला है। सो इस पे लिखा है श्रेय की खुशी, और हमें इनकी शादी में जाके बहुत खुशी हुई। काफ़ी अच्छी वेडिंग थी गाइज, लिटरली वर्थ इट थी। हम इतनी दूर गए, सो दैट इज़ टोटली वर्थ इट। इसका कुछ लॉक है ऐसे, वेट लेट मी फिगर आउट खुलेगा कैसे। सो गाइज, ये है बॉक्स, इसमें वही स्वीट्स वगैरह हैं एंड ओके कार्ड है एंड प्योर देसी घी एंड ऑल। सो दिस इज़ द बॉक्स जो कि हमें वहाँ से मिला है। वेरी प्रिटी, लाइक ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा, श्रेय की खुशी, नाइस। सो गाइज, अभी इस व्लॉग को मैं हैंड करने वाली हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, मुझे कल कॉलेज जाना है। सो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, आज सही हुआ मैंने व्लॉग बना लिया, वरना इतनी अच्छी वेडिंग मैं अपनी मेमोरी में कैसे कैप्चर करती। तो अपनी मेमोरी के लिए तो रखनी पड़ती है चीज़ें। सो गाइज, थैंक यू।